आपको भी गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। ये पल, ये दिन का हम एक साल इंतजार करते हैं। जी पापा हमारे घर आते हैं जी, हमेशा हमारे दिलों में रहते हो जी। प्लीज बताइए आपको इस बात की कितनी खुशी है कि आप उनको साक्षात अपने घर ले। बहुत बहुत खुशी है कि इस साल जो है मैं इतनी इंगेज हूँ, इतनी बिजी हूँ कि मंगल लक्ष्मी मेरे हाथ में है, मंगल लक्ष्मी शो मेरे हाथ में है, मैं एक काम मेरे हाथ में है और तब मैं इनकी आराधना कर पा रही हूँ और लोग मेरे काम को सराह रहे हैं, मंगल के किरदार को पसंद कर रहे हैं। तो ये मैजिक देख के, कृपा देख कर मैं कृतज्ञ हो गई हूँ और हर साल की तरह वो मुझे बहुत खुश देते हैं। मैंने ही बीच में सोचा था कि यू नो थोड़ा टाइम मुझे घर पर देना चाहिए और क्लासिकल डांस फॉर्म में किस सीख लूँ साथ साथ, बिकॉज देखिए इतने साल मैंने काम किया तो अचानक से घर पे बैठना वॉज वेरी डिफिकल्ट। वेयर आई फॉल इन लव विद ओडिसी, तो मैंने वो सीखना शुरू किया जिसने मेरे माइंड को एक बहुत ही यू नो शुद्ध बुद्धि दिया, एक प्रेजेंस ऑफ माइंड दिया और ऑनेस्टली आई डोंट फील नॉट वेरी डिटैच एंड डिटैचमेंट, एक स्पिरिचुअलिटी जो मेरे को आई वो बिकॉज ऑफ क्लासिकल लर्निंग क्लासिकल डांस फॉर्म वो आ पाई। इट्स आई थिंक ऑल कृपा ऑफ गणपति बापा। और आज जब मैंने सोचा पिछले साल की मुझे वापस थोड़ा सा काम करना चाहिए तो मंगल लक्ष्मी जैसा शो मेरे मुझे मिला और इसमें आप मेरे किरदार मंगल को बहुत पसंद कर रहे हैं, तो आई एम सो थैंकफुल, सो ब्लेस्ड, फीलिंग ब्लेस्ड जी। जी बहुत बहुत जी जी। देखिए और मैं तो वैसे भी आउटस्कर्ट्स में रहती हूँ मुंबई के, मैं मीरा रोड में रहती हूँ, मेरे घर तक आना और हमेशा ना कृपा है गणपति बाबा की कि मेरा घर, मेरा हाउस एकदम फुल रहता है, जो है सब लोगों का आना जाना लगा रहता है। मुझे ये कृपा लगती है कि हमसे इतने सारे लोग स्नेह करते हैं, प्यार करते हैं कि वो हमारे घर को भी ना थोड़ा सा टाइम देते हैं, हमारे घर के गणपति बाबा को भी काफ़ी आशीर्वाद देने आते हैं और वो मुझे बहुत फीलिंग स्पेशल कराता है कि इतना दूर आने का सोचना और फिर यहाँ पे टाइम स्पेंड करना। और जो आते हैं वो कम से कम कई बार उनको टाइम का पता भी नहीं चलता तो बैठे रह जाते हैं और हमें भी कई पुरानी पुरानी बातें होती हैं जो कभी कभी फ़ोन पे नहीं हो पाती, वो उस टाइम साथ में बिताकर वो मिलकर बहुत अच्छा लगता है। जैसे आज मैं कनिका जी को बहुत मंथ के बाद मिली हूँ और बहुत सारे अभी भाभों भी आना है, भाभों को भी और रूहान और अर्शिया यहाँ आए, बहुत सारे और दिशांक आया, तो कई सेट पे हम लोग रोज़ मिलते हैं। मगर ये जो घर की उनको अपना घर दिखाना, बच्चों के साथ में जो बच्चों का एक जेल होता है तो वो चीज़ें देख के मुझे बहुत अच्छा लगता है और ये एक एक मोमेंट में अपने आप ही एक एनर्जी बनी रहती है। आप सभी को गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं, ये त्यौहार ये पर्व आपके जीवन में सुख शांति समृद्धि लेकर आए और अब तो जन्माष्टमी से ही त्यौहारों की शुरुआत हो चुकी है और बस इस साल दिवाली भी आपकी बहुत सुंदर जाए, बहुत अच्छी जाए। गणपति बापा आपको खूब सारी वेल्थ दे, खूब सारा सद्बुद्धि दे, अच्छी सोच दे, सकारात्मक सोच दें और क्योंकि देखिए इनको चिंतामणि भी कहा जाता है, विघ्नहर्ता भी कहा जाता है, तो चिंतामणि सारी चिंताओं को हर लें और आपको शुद्ध बुद्धि प्रदान करें और सारे विघ्नों को जो भी आपके रास्ते में आ रहे हैं, कहीं डिसीजन लेने में कहीं डिफ़िकल्टी हो रही है तो वो सोच आपको दें, उससे ब्लेस करें कि आप एक सही डिसीजन ले पाएँ और अपनी लाइफ में आगे बढ़ पाएँ।